अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक खैरियत? अगेन एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ केमिस्ट्री फॉर आल बाय अयाज चैनल के नाम से। तो आज की हमारी जो वीडियो है उसमें हम पढ़ते हैं क्या कन्वर्जन ऑफ कोल इनटू पेट्रोलियम। इससे पहले की वीडियोज अगर आपने देखी है तो उसमें हमने सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का जिक्र किया था कि कौन कौन से सोर्सेज हम ऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोलेट कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उसमें हमने तीन सोर्सेज पढ़े थे, कोल, दूसरा था पेट्रोलियम और तीसरा था नेचुरल गैस। आज की वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि कोल को हम किस तरह कन्वर्ट करते हैं पेट्रोलियम में। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि कोल को जब हम हीट देते हैं तो उससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस भी बनते हैं। उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, हाइड्रोजन गैस है, उनको हम कोल गैसेस कहते थे। दैट वाज द फर्स्ट फ्रैक्शन व्हिच इज आइसोलेटेड फ्रॉम द कोल। तो कोल गैसेस को एक्चुअली हम कन्वर्ट करेंगे लिक्विड हाइड्रोकार्बन में, दैट इज अल्केन, दैट इज एक्चुअली कडेस पेट्रोल और पेट्रोलियम। तो इसके लिए जो मुख्तलिफ स्टेप्स है वो मैंने लिखे हैं, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ, उस पर हम डिस्कशन करेंगे, आपको समझाऊंगा। तो जो प्रोसेस का नाम है जिस प्रोसेस के जरिए हम ये कोल से पेट्रोलियम बनाएंगे उस प्रोसेस को कहते हैं फिशर ट्यूब सिंथेसिस, इफ टी सिंथेसिस भी कहते हैं, इफ टी प्रोसेस भी कहते हैं। इस प्रोसेस के जरिए कोल से हम पेट्रोलियम बनाएंगे। दूसरा जो है ये फिशर ट्यूब सिंथेसिस जो है, दिस इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, ये एक सीरीज है, अ डिफरेंट सीरीज ऑफ केमिकल प्रोसेसेस है। लेकिन आसानी के लिए मैंने एक स्टेप में लिखा है कि मुख्तलिफ सीरीज से हम कोल गैसेस को कन्वर्ट करेंगे इनटू पेट्रोलियम। सो देयरफॉर इट इज अ सीरीज ऑफ डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस। जो कोल से हम कन्वर्जन करते हैं वो क्या करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस लेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को हम अल्केन में या लिक्विड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करेंगे। तो किस तरह करेंगे, इस रिएक्शन पर अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने लिखा है हाइड्रोजन गैस, यहाँ पर मैंने लिखा है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड के आगे मैंने लिखा है स्मॉल एन, यहाँ पर मैंने लिखा है 2N+1। यहाँ पर आप देखिए सी एन एच टू एन प्लस टू प्लस एन एच टू ओ। तो सी एन एच टू एन प्लस टू अगर आप देखें वो अल्केन का जनरल फार्मूला है। अल्केन को जनरल फार्मूले से हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इन हमारे पास क्या है, इन नंबर ऑफ एटम जो वन से स्टार्ट है अनलिमिटेड तक हम जा सकते हैं। तो आप वन भी पुट कर सकते हैं, टू भी पुट कर सकते हैं, थ्री भी पुट कर सकते हैं, फोर एंड सो ऑन। तो सपोज मैंने यहाँ पर टू पुट कर लिया, इस इन की जगह मैं टू पुट करता हूँ तो यहाँ पर आएगा टू, तो टू टू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वन एड हो जाएगा तो फाइव हो जाएगा। तो फाइव हाइड्रोजन के साथ फिर यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर इनकी जगह मैंने टू पुट कर लिया तो दो मोल कार्बन मोनोऑक्साइड हो गए। अब यहाँ पर सी एन एच टू एन प्लस टू है इस फार्मूले में, तो इनकी जगह फिर टू पुट कर लो, यहाँ पर टू पुट कर लो, यहाँ पर टू पुट कर लो, तो क्या हो जाएगा, टू टू जर फोर और दो एड कर लेंगे तो सिक्स हाइड्रोजन हो जाएंगे। इस तरह जब सी एन एच टू एन में अगर इनकी जगह हम टू पुट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, दो कार्बन हो जाएंगे और सिक्स हाइड्रोजन हो जाएंगे। यहाँ पर एन लगा है तो इनकी जगह यहाँ पर भी टू पुट कर लेंगे तो हमारे पास दो वाटर मॉलिक्यूल आ जाएंगे। तो टू पुट करने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर टू पुट कर लेंगे तो उससे फाइव हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो फाइव मोल हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर मैं लगाऊंगा, यहाँ पर इनकी जगह टू मैंने पुट कर लिया तो दो मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हो गए। यहाँ पर टू पुट करने से ये सी टू ए सिक्स बन जाएगा और यहाँ पर टू पुट करने से ये टू मोल ऑफ वाटर में तब्दील हो जाएगा। तो आप देखिए रिएक्शन कंप्लीट बैलेंस है, टू टू जर फोर, चार हाइड्रोजन यहाँ पर है और सिक्स यहाँ पर है, तो चार और छः को प्लस कर लो दस हाइड्रोजन हो जाएंगे। यहाँ पर फाइव टू जर टेन है तो दस हाइड्रोजन यहाँ पर है, दो कार्बन यहाँ पर है, दो कार्बन यहाँ पर है, दो ऑक्सीजन यहाँ पर है, दो ऑक्सीजन यहाँ पर है। तो दैट इज कॉल्ड फिशर ट्यूब सिंथेसिस या इफ टी प्रोसेस। इस प्रोसेस के जरिए आप देखिए हमने हाइड्रोजन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों को ले लिया और उससे अल्केन बना लिया। अल्केन क्या है, हाइड्रोकार्बन है, एंड पेट्रोलियम में सबसे ज्यादा अल्केन होंगे, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन होंगे या ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन होंगे। सो दैट इज द होल समरी ऑफ इफ टी प्रोसेसेस बाय विच वी कैन कन्वर्ट कोल इनटू पेट्रोलियम। तो इन रिएक्शंस को अगर हम याद करेंगे, सिर्फ एक रिएक्शन, इस रिएक्शन को अगर हम याद करेंगे इसमें मुख्तलिफ वैल्यूज पुट कर सकते हैं, वन से लेकर टू, थ्री, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट एंड सो ऑन। तो इस प्रोसेस के जरिए कोल विल बी कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी और इसमें आप जो है अपनी तरफ से प्रैक्टिस कर ले, काफी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप ये रिएक्शन याद कर सकते हैं, इस रिएक्शन के जरिए आप कोल को पेट्रोलियम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में अपने क्वेश्चन भी पोस्ट कर सकते हैं, कमेंट्स में देखूंगा इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन के जवाब भी दूंगा। थैंक यू सो मच।